Hello, Namaste, Sat Sri Akal, beautiful people. Welcome to my YouTube channel. My name is Sanchit and you're watching Sing on Wheels. Right now, we are in Naldehra. हम लोग यहाँ दो दिन से स्टे कर रहे हैं. आज बस चेकआउट है फिलहाल. रेडी होके बैठे हैं ब्रेकफास्ट के लिए. अभी सिर्फ तैयार हुए हैं रमन भाई, वरुण भाई, ये तो पूरे तैयार हैं. बस अभी ले चलो दिल्ली इनको ऑफिस. बिलाल भाई, पवन जी, और यहाँ हमारे चल रहा ब्रेकफास्ट. ये है पनीर कुलचे पराठे. फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं. टाइम भी काफी हो गया है. इट्स 9:40 ऑलरेडी. सोचते हमेशा यही है जल्दी निकलेंगे, बट टाइम ऊपर हो ही जाता है. कल भी सोचा रहा 9:30 मैक्सिमम निकल जाएंगे, बट अभी तो आधे लोग हमारे तैयार ही नहीं हुए हैं. थोड़ा बहुत सामान पैक करना रह गया, उसके बाद बाइक पे लोड करेंगे एंड देन वी विल जस्ट हेड आउट. सो ये हम निकल गए फाइनली, और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले शिमला. इट्स 11:30 राइट नाउ. हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है. लेट्स होप कि ज़्यादा तेज बारिश ना हो, थोड़ा थोड़ा बारिश रहे और उतने में निपट जाए, पहुंच जाए थोड़ा बहुत मॉल रोड घूम के, फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए. थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेट हो गए हैं, और ठीक है जैसा सबका मन कर रहा है वैसा करना पड़ेगा. ये देखो यार, कुछ नहीं दिख रहा आगे, कुछ भी नहीं दिख रहा. ट्रैफिक है थोड़ा, गाड़ी वाले भी किसी भी हिसाब से चलाते हैं. कोई तो चलता ही नहीं है, कोई कहीं भी रोक देता है, कोई रेस लगाने लग जाता है. समझ नहीं आता हिसाब क्या है. और ये सड़कें सारी गीली हैं, या तो यहाँ बारिश हुई है या ये मॉइस्चर की वजह से, ओस की वजह से गीली हो गई हैं रोड्स. रिस्ट्रिक्टेड रोड. सो हम लोग थोड़ा लगता है गलत रास्ते पे आ गए. गूगल मैप ने गलत मोड़ दिया, क्योंकि आगे एक रोड पे हम चढ़ गए थे, वो रिस्ट्रिक्टेड रोड है और यहाँ कोई व्हीकल, बस एक दो गाड़ियाँ जो आई हैं आई हैं, अदरवाइज कोई व्हीकल नहीं है. वहाँ पुलिस अंकल खड़े थे. पुलिस अंकल ने कहा यू टर्न मार लो बेटा, 3,000 रुपये का फाइन है. उन्होंने कहा सॉरी अंकल सॉरी, हम तो जा रहे हैं, हम तो आए नहीं यार, हम आए नहीं. सो ये हम पहुँच गए हैं शिमला की मॉल रोड पे. ऐसा कुछ नज़ारा है, उतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है जितना रीसेंट कुछ डेज में था. बीइंग अ संडे मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा खाली है रिलेटिवली. बाकी अभी देखते हैं कहीं बैठेंगे, लंच करेंगे, थोड़ा लेट हो गया. ठीक है चलता है, कोशिश करेंगे वापसी फटाफट खींचने का जितना हो पाएगा. जो चलो एक दो प्लान्स थे रास्ते के वो हम थोड़ा छोड़ देंगे. अभी थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है क्योंकि चढ़ रहे हैं, चढ़ाई पर हैं. और मैं इनको बोल रहा हूँ कैसा शिमला टाइम्स है, वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ कुछ खा लेंगे. बट देखते हैं अभी जो भी जैसे भी बनेगा फाइनल करते हैं. सो गाइस हम लोग अभी फिलहाल बैठे हैं कैफे शिमला टाइम्स में, जो कि मॉल रोड पे ही है. और एक छोटी सी हमें चोट हुई शिमला घुसते ही, मेरे को नवप्रीत पाजी को और बिलाल भाई, नाम है बिलाल भाई को, हमें रोक लिया क्योंकि हमारी बाइक पे फॉग लाइट्स लगी हुई थी. ऑल्दो ऑन नहीं थी बट स्टिल इट्स अ मॉडिफिकेशन. और मेरे को तो ये डर लग रहा था कि मेरा डीकैल ना पकड़ा जाए, क्योंकि आज बाइक पे हम कोशिश करेंगे कि आपको पकड़ा जाए. अभी हम रास्ते में जाते जाते बोल देंगे. नहीं रिक्वेस्ट करी हमने तो तीन की जगह हमारा एक चालान बन गया, वो अपन स्प्लिट कर लेंगे अगर ये चाहेंगे तो. हाँ मतलब आप और फिलहाल स्प्लिट कर लेना. पार्टनरशिप है. बाकी अभी खाना ऑर्डर किया है, अभी जस्ट ड्रिंक्स आई हैं. आई एम हैविंग पीना कोलाडा, पाजी की कोल्ड कॉफी, वर्जिन मोजीतो. मोजीतो नहीं मोहितो. अरे मुझे पता है ब्रो. वो विकास भाई भी पी रहे पीना कोलाडा, पवन जी भी पी रहे पीना कोलाडा. इसने पीना कोलाडा मेरे लिए ऑर्डर भी किया था, अपने लिए करना भूल गया ये, तो मैंने ले लिया. ये दोनों भाई अभी खा के आए हैं. कहाँ गए थे? हनीहट मॉल रोड शिमला. और वहाँ क्या खाया? कृष्णा बेकरी के मोमोस, वर्ल्ड फेमस शिमला के चोको ब्राउन और चोको ब्राउन आइसक्रीम एंड हनी. एक ही आइसक्रीम ऊपर पड़ी थी, एक ही आइसक्रीम साइड पर. असली चीज तो यही खा के आए हैं मुझे लग रहा है सर. कृष्णा भाई तो बाहर ना निकालिए, गाड़ी में बता रहा हूँ. सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 4:15 और फाइनली शिमला से निकल रहे हैं. हरियल की बारिश स्टार्ट हो गई है, सबने रेन आने लगा लिया है. बट जितने रेन आने लगाया उतने में बारिश खत्म हो गई है और अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इसके अंदर. भाई साहब मेरे को पसीने आ रहे लिटरली. और अभी सड़कें गीली हैं तो थोड़ा ध्यान ध्यान से चलाना पड़ेगा. विदाउट ट्रैक्शन चलाना बाइक पहाड़ों में थोड़ा सा रिस्की रहता है. और अभी हम उतर रहे हैं तो बाइक तो अनकंट्रोलेबली भागती है, तो छोटे गियर में रखो जितना छोटा गियर रख सकते हो. बाकी आप देखो
कुछ नहीं दिख रहा, पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो गया हर जगह। ऊपर जहाँ बैठे थे कैफे शिमला टाइम, लास्ट टाइम जब शिमला आया था बहुत बहुत साल पहले, आई थिंक 2017 जनवरी में आया था, तब यहाँ स्नोफॉल हो गई थी बहुत ज्यादा, 2-3 दिन लगातार स्नोफॉल रही थी और हम फंस गए थे यहाँ पे, ना हम निकल पाए ना कहीं जा पाए, बस पैदल निकलते रहे थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पास कपड़े भी उस हिसाब से नहीं थे, जूते वूते सब गीले हो गए थे, तो अपना थोड़ा बहुत झुका करके निकलते थे, थोड़ा बहुत लोकल घूमाते थे। और शिमला के बाद शायद मैं तभी ऐसे बीच में हमने हॉल्ट लिया था जब मैं नारकंडा गया था, तो यहाँ हमने लंच ब्रेक लिया था लंच करते हुए, वो भी हम मॉल रोड नहीं गए थे, सिर्फ शिमला बार बार से टच करके निकल गए थे। आज प्रॉपर वापस मॉल रोड घूमा, ऊपर चर्च तक गए, रिज गए, और शिमला तो ऐसे बचपन में इतना आया हूँ क्योंकि समर वेकेशन होते थे तो घर वाले कहने के ले ही जाते थे, तो शिमला तो बहुत बार ही आया, शिमला मसूरी नैनीताल इतनी बार देखी है सब जगह। ओ भाई साहब, यहाँ तो बादल सड़क पे उड़ते हुए आ रहे सामने से, पता नहीं कैमरे में दिखेंगे नहीं दिखेंगे, बट ऐसे लग रहा है लिटरली उसे फ्लोट करते हुए आ रहे सामने से। और अभी मैं बहुत ही बड़ा जोखिम ले रहा हूँ, घोपरों को लगा रखा है, हल्का हल्का मौसम सीला सीला है और थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी सी बारिश है बूंदाबांदी टाइप, तो थोड़ा सा रिस्क है घोपरों का, बाकी देखी जाएगी यार और क्या कह सकता हूँ। खाना काफी अच्छा है कैफे शिमला टाइम्स का, काफी अच्छा बोलूंगा, हम लोगों ने हर तरीके का क्यूजीन खाया है। मेनू पता बस लारे क्या खतरनाक मौसम हो गया भाई, खतरनाक एकदम। ये देखो यही खुशी है इस बार ट्रिप पे कि भाई मौसम एकदम बढ़िया रहा, एक नंबर रहा, और बारिश ने तंग नहीं किया हमें एक बारी भी, अभी भी स्टार्ट हुई थी बट फिर रुक गई है, लकीली टच वुड रुक गई है। बीच बीच पर रास्ता ऐसा खतरनाक हो जाता है, पूरी रोड के ऊपर फॉग होती है। सोलन से पहले रास्ता सारा ऐसे टोड़ा हुआ है, सिंगल रोड है वो भी टूटी फूटी है, कहीं जगह ऑफ रोड टाइप पैच आ जाता है तो थोड़ा ये कठिन है, और अभी हम लोग सब आगे पीछे हो गए। और ये आगे एकदम ही सेक्सी सेक्सी रोड्स, और वहाँ अभी अभी बस 2 किलोमीटर पहले तक रोड्स का हाल देखते हैं भाई साहब, डाइवर्जन पर डाइवर्जन, टूटी हुई सड़कें, बाप रे ट्रैफिक इतना सारा ट्रैफिक भाई। सब हम घुस गए टनल के अंदर, और एज यूजुअल ये बढ़िया है, राइड करते करते स्ट्रेचिंग भी करनी जरूरी हो जाती है। ये तो भाई साहब इतना लंबा जाम है, ऐसा लग रहा है हम बाइक वाले तो दिल्ली पहुंच जाएंगे रात को 1 बजे, गाड़ी वाले आएंगे सुबह 4 बजे, गाड़ी वाले सुबह 4 बजे ही आएंगे भाई, हम पहुंच जाएंगे आराम से। ये कई बार भूत भैंसे उड़ जाते हैं। सो हम पहुंच गए पंचकुला, और अभी मैं सोच के बड़ा खुश हो रहा था कि आज पता नहीं किस भाई की बात मान के मैंने अपने सैडल बैग्स भी गाड़ी में ही डाल दिए, मैं चलो बिना उसके राइड कर लेंगे आराम से, जहाँ कहीं रुकेंगे दिल्ली से पहले वहाँ लास्ट में ट्राई कर लूँगा फटाफट से। और भाई अगर सैडल बैग्स होते तो उस ट्रैफिक जाम से निकलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। तो गाइस सीन ऐसा हुआ कि पंचकुला से थोड़ा पहले बहुत हेवी लैंडस्लाइड हो रखी थी और बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, लगभग 1.25 घंटे का, गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, मेरा मेजर जो इंपॉर्टेंट सामान भी था वो सब भी गाड़ी में रखा हुआ था, गाड़ी तो बहुत ही पीछे थी, उनका तो चांस ही नहीं था हमारे तक पहुँचने का। तो जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकले बाइक काटते कूटते, फाइनली जब पंचकुला पहुँचे तो रोड थोड़ी खाली मिली, देन हमने रुक के पेट्रोल वगैरह डलवाया। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टॉप लिया वो हमने लिया सीधा करनाल में जाके, काफ़ी वहाँ भी काफ़ी लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते, फिर नवप्रीत भाई की आँख में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हम लोग पहुँच गए करनाल एंड हमने स्टॉप लिए मन्नत पे, यहाँ चाय कॉफ़ी ब्रेक लिया है,
और हमारा एक भाई है जो कि अब चाइनीज बन गया, सॉरी नॉट बीइंग रेसिस्ट, जस्ट एज अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। ये है हमारा भाई, प्लीज अपनी अखा वखाओ, ये देखो। मतलब हमने इतनी धूल मिट्टी चाटी है, इतना वो ट्रक का डीजल का धुआं चाटा है ना, तो क्या बताऊँ। अभी जो आए थे मुंह धोया ना तो इतना काला काला वो मिट्टी निकल रही थी। अपना हाल बता दो। बुरे हाल है, बुरे हाल, बस खींचे जा रहे, खींचे जा रहे, जल्दी से घर पहुँचे तैसी हो चुकी है। और बस तो मन, चल मन तो कर रहे लेट रहे, लेकिन घर पहुँचना बहुत जरूरी है, बहुत लेट हो गया, लेट हो गया। अभी 10:15 हो गए हैं और यहाँ से लगभग अभी 120 किलोमीटर और रहता है, तो 3-3.5 घंटे लग जाएंगे हम लोगों को। बस अभी बैठे हैं, थोड़ा चाय वाय पी लिया, रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा बॉडी को टाइम दे रहे हैं ताकि वो रिकवर हो जाए, क्योंकि कुछ जगहें हैं ऐसी एसेंशियल जो थोड़ा पेन करती है राइड करते हुए। तो यह हम ये सोफे वाले सीट पे बैठे हैं, वहाँ पे हार्ड सीट्स थी इधर आके बैठे स्पेशली, ताकि जहाँ जहाँ शरीर में पेन हो रहा है ना थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए बॉडी में। और उसके बाद हम लोग सीधा अपने घर की तरफ चले। घर पहुँचते मुझे लगभग 2 बज ही गए थे घर पहुँचते। और ये ट्रिप का टोटल हमने डिस्टेंस जो कवर किया वो 900 किलोमीटर के आसपास था। वो ट्रिप खत्म होते होते मेरा नेक्स्ट ट्रिप भी प्लान हो गया था। फिलहाल मैं उदयपुर में हूँ। अभी हम लोग लास्ट 2 डेज माउंट आबू में थे, माउंट आबू से आज हम उदयपुर आए हैं हल्दी घाटी वगैरह घूमते हुए। अभी 2 दिन यही रहने का प्लान है, परसों निकलेंगे दिल्ली के लिए। और ये भी एकदम रैंडम सडन प्लान बना अचानक से। मैं ये वीडियो को बस एडिट कर रहा था यहाँ पे बैठ के अभी, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा फॉर व्हाट्सएप रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन। न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई नो हो सकता है इस ब्लॉग की एनर्जी थोड़ी सी आपको लो फील हुई हो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है यार, जब मैं ट्रिप से एंड करके घर जा रहा होता हूँ ना तो मैं बहुत लो फील करता हूँ, कभी कभी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ था और मैं बहुत थका हुआ था, मैं सोया नहीं था जिस दिन हम जा रहे थे, उस दिन में रात भर नहीं सोया। बाकी 2 दिन भी हम लोग मुश्किल से 3-4 घंटे 5 घंटे सोते थे। ये वाली जो ट्रिप है, नेक्स्ट ट्रिप है ये गाड़ी पे करो अपने दोस्तों के साथ, वो आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो पता चल जाएगा। सो वो वीडियो का वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, उसी टाइम फटाफट सा वीडियो देख लो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सिंग ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय, हैव फन, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय लाइफ।